नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड एलनबोरो की। एलनबोरो, इनका टेन्योर था साल 1842 से 1844 तक। अब इनको स्पेशली भारत भेजा गया था ताकि एशिया में पीस रीस्टोर हो सके, क्योंकि इनके पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, उनकी अफगान पॉलिसी के चलते ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी थी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। तो एलनबोरो जैसे ही अपना टेन्योर स्टार्ट करते हैं, इनको बदला लेना था अफगानिस्तान से। इसी वजह से एलनबोरो ने अटैक किया काबुल पे इन सितंबर 1842 एंड काबुल को कैप्चर भी कर लिया। पर जो गलती लॉर्ड ऑकलैंड ने करी थी वो एलनबोरो ने नहीं करी, मतलब इन्होंने अफगानिस्तान के आमिर जो कि दोस्त मोहम्मद खान थे उनको गद्दी से नहीं हटाया, बल्कि एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह रिकॉग्नाइज्ड कर लिया और कहा कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर बदले में अफगानिस्तान भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा। तो इसी के साथ एलनबोरो ने काबुल के साथ कुछ टाइम तक पीस कर ली, जब तक सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर नहीं हुआ। अफगानिस्तान के चैप्टर के अलावा एलनबोरो को सिंध के एनेक्सेशन के लिए भी जाना जाता है। तो अब समझते हैं सिंध के एनेक्सेशन को। 1770s के सिंध में तलपुराज आमिर का इन्फ्लुएंस था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर थे मीर फतेह खान। अब 1790s में क्या हो रहा था, एंग्लो मैसूर वॉर, और इस वॉर में टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सरदर्द बने हुए थे, और टीपू सुल्तान ने इस वॉर के दौरान ही फ्रेंच से अपने रिलेशंस डेवलप करना शुरू कर दिए थे। अब ये देखकर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि कहीं नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत में इन्वेड ना कर दे। तो इस वजह से उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में ये आया कि अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ब्रिटिश कंट्रोल हो जाएगा तो अगर फ्रांस इन्वेड भी करता है तो फ्रांस को भारत के बाहर ही काउंटर कर दिया जाएगा। इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स थे, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध। तो 1790 से ही सिंध को एनेक्स करने की नींव स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब 1790s में भारत में वेल्सली गवर्नर जनरल थे और उन्होंने सबसे पहले अपना एजेंट भेजा सिंध। सिंध में ब्रिटिश के एजेंट मिले मीर फतेह से और उनको बताया कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपसे दोस्ती करना चाहती है, और मीर फतेह ने दोस्ती का ऑफर डिक्लाइन कर दिया। पर समय थोड़ा आगे बढ़ा और 1807 में भारत में आए लॉर्ड मिंटो एज गवर्नर जनरल। अब मिंटो फ्रेंडशिप के लिए जाने जाते थे, तो इन्होंने सिंध से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और इस बार सिंध के आमिर ने दोस्ती कबूल कर ली, और इस दोस्ती का नाम था ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। इस ट्रीटी में आमिर्स ने एग्री किया कि वो फ्रेंच से कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे और ब्रिटिशर से पूरी दोस्ती निभाएंगे। फिर 1820 में ये ट्रीटी रिन्यूड हुई और इस बार आमिर्स ने कहा कि हम अमेरिकन से भी नाता नहीं रखेंगे, हमारा सिर्फ एक दोस्त है और वो है ब्रिटेन, बस बात खत्म। अब ये जो सो कॉल्ड दोस्ती थी सिंध और ब्रिटिश में, इसको ध्यान से देखोगे तो सिंध वीकर था और ब्रिटिश एस पावर मजबूत था। तो इस वजह से समय जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे ही ब्रिटिशर्स की डिमांड भी बढ़ती गई। जैसे 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि सिंध आप सब्सिडी अलायंस साइन कर लो। फिर जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स हारे और एलनबोरो भारत आए एज गवर्नर जनरल, तो इन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी लॉस हुआ है वो हम सिंध से वसूलेंगे। जैसे कि सिंध के इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस ले लिए लॉर्ड एलनबोरो ने, फिर फ्यूल की सप्लाई सिंध से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाएगी, और तो और एलनबोरो ने सिंध के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफियर करना शुरू कर दिया। और जब ये सब देखा सिंध के आमिर्स ने, तो उनको लगा कि हम ब्रिटिशर्स की हर बात मानते आए हैं, और ब्रिटिशर्स एक तो सिंध की लॉयल्टी को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं, और अब अफगानिस्तान में जो उनका लॉस हुआ है वो भी हमसे वसूल रहे हैं। तब आमिर्स को लगा कि अब लड़ना होगा, और आमिर्स ने जंग का ऐलान कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और फिर हुई बैटल ऑफ मियानी और बैटल ऑफ डोबो, जहां पे 3000 ब्रिटिश ट्रूप्स ने 12000 आमिर्स को हरा दिया, और साल 1843 में सिंध पूरी तरह से एनेक्स हो गया। हालांकि सिंध के एनेक्सेशन को खुद ब्रिटिश सही नहीं माने थे। चार्ल्स नेपियर जो ब्रिटिश ट्रूप्स को लीड कर रहे थे सिंध के एनेक्सेशन में, वो कोट करते हैं, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, येट वी शैल डू सो एंड अ वेरी एडवांटेजियस यूजफुल ह्यूमन पीस ऑफ रेस्कैलिटी इट विल बी। मतलब ये है कि सिंध को सीज करना गलत था, पर क्योंकि इस चीज में ब्रिटिश का फायदा है इस वजह से ये सही है। वाह, क्या ही कहें अब इस पे। तो ये थी पूरी कहानी लॉर्ड एलनबोरो की। उम्मीद है आपको ये सब कंटेंट्स हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद,
जय भारत।